हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ शब्बीर हुसैन एंड यू आर वाचिंग फिजियो टॉक। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गैल्वेनिक करंट के बारे में। गैल्वेनिक करंट क्या होता है और क्यों फिजियोथेरेपी में हम इस करंट को यूज करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। दोस्तों, गैल्वेनिक करंट एक तरीके का डायरेक्ट करंट होता है और ये करंट यूनिडायरेक्शनल होता है। ये करंट थोड़ा सा पेनफुल होता है, उसकी वजह ये होती है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। इसके लिए हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ता है इस करंट को और इसके स्टिमुलेशन के अंदर हमें रेगुलर पॉज देना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट। एक तरीके का डायरेक्ट करंट है जिसको हम एक साथ नहीं देते। अगर आप डायरेक्ट करंट को एक साथ दे रहे हो तो उस प्रोसीजर को हम बोलेंगे आयनटोफोरोसिस। आयनटोफोरोसिस एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसमें आप मेडिकेशन स्किन के थ्रू देते हो। तो दोस्तों, जब हम गैल्वेनिक करंट की बात कर रहे हैं तो गैल्वेनिक करंट के अंदर डायरेक्ट करंट यूज होता है, मगर एक रेगुलर पॉज के बीच में। आप जब स्टिमुलेशन दे रहे हो तो आपको एक रेगुलर पॉज देना पड़ता है। अगर हम इसके एविडेंस की बात करें तो भाई, गैल्वेनिक करंट का हम यूज क्यों करते हैं? डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्शन के लिए हम गैल्वेनिक करंट को यूज करते हैं। भाई, यूज क्यों करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर गैल्वेनिक करंट को? क्योंकि गैल्वेनिक करंट मसल्स को एक्टिवेट करता है विदाउट एक्टिवेशन ऑफ पेरिफेरल नर्व। मतलब कि मसल्स को कॉन्ट्रेक्शन देने के लिए डायरेक्ट मसल्स को एक्टिवेट करता है, पेरिफेरल नर्व को एक्टिवेट नहीं करता। अब भाई, डिनर्वेटेड मसल्स को एक्टिवेशन क्यों किया जाता है? देखिए, डिनर्वेटेड मसल्स के अंदर नर्व सप्लाई हैम्पर्ड हो चुकी होती है, पेरिफेरल नर्व सप्लाई हैम्पर्ड हो चुकी होती है, तो उन मसल्स के अंदर इडीमा को कम करने के लिए, वीनस स्टेसिस को कम करने के लिए हम यूज करते हैं गैल्वेनिक करंट का। गैल्वेनिक करंट एक तरीके का डायरेक्ट करंट है। अब डायरेक्ट करंट की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट करंट जब हम देते हैं कंटिन्यूस मैनर में तो वो हम यूज करते हैं आयनटोफोरोसिस के अंदर, और अगर हम इसको एक रेगुलर पॉज में दे रहे हैं जिसको हम बोलते हैं इंटरप्टेड गैल्वेनिक करंट, वो हम यूज करते हैं डिनर्वेटेड मसल्स के स्टिमुलेशन के लिए। साथ ही फेशियल मसल की वीकनेस के अंदर भी आप गैल्वेनिक करंट को यूज करते हैं। अब बात करते हैं भाई, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डिनर्वेटेड मसल्स में क्यों ज़रूरी होता है? देखिए, इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन से जो मसल्स की प्रॉपर्टीज़ हैं वो मेंटेन रहती है, जो मसल्स का पंपिंग फंक्शन है वो एक्टिवेट होता है, और साथ में जो एब्जॉर्प्शन कैपेबिलिटी होती है, जो मसल्स की एक्सटेंसिबिलिटी होती है, वो इंक्रीज होती है स्टिमुलेशन से। डायरेक्ट करंट के स्टिमुलेशन से मसल्स की जो प्रॉपर्टीज़ है वो मेंटेन होती है, जो उनका लोकल सर्कुलेशन है मसल्स का वो इम्प्रूव होता है, इसलिए हम गैल्वेनिक करंट को यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रोथेरेपी के अंदर डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिव करंट दोनों ही यूज़ होते हैं, मगर आज हमने हमारी वीडियो में आपको बताने की कोशिश की कि डायरेक्ट करंट और जिसमें गैल्वेनिक करंट की क्या भूमिका होती है डिनर्वेटेड मसल्स को एक्टिवेट करने के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग फिजियो टॉक।